मेरा नाम अंकुर है और मैं बेसिकली प्रयागराज से आया हूँ। काफ़ी समय से गायनेकोमेस्टिया का मेरे को प्रॉब्लम था और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस का इशू हो गया था और लो सेल्फ एस्टीम की वजह से मैं, जो मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल है वो मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा था। कि मेरा 3A का कैटेगरी थी, ग्रेड थी, तो जैसे कि अगर फुटबॉल खेलना हो या क्रिकेट खेलना हो या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना हो, तो पहली बात तो हम गर्मी के समय जैसे टी शर्ट वगैरह पहनना हो तो बहुत ढीली टी शर्ट पहनते थे या फिर ऊपर से जैकेट डालना पड़ता था, तो पहले ही 50-60% तो हमको वैसे ही ओवर प्रोटेक्शन करके करना पड़ता था, नहीं तो दूसरा देखेगा कोई तो फिर मजाक उड़ाएगा। तो एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर दूसरी चीज़ है, जैसे कि कभी मन किया स्विमिंग पूल में जाना, नहाना हो या कहीं हमको कुछ, मतलब कि ऐसा एक्टिविटी करनी हो जहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह को थोड़ा सा उतारना हो, तो वो चीज़ एकदम भी पॉसिबल नहीं थी। फॉर बीइंग अ मेल, मतलब सोसाइटी बहुत ही उसको अलग तरीके से देखती है और मेरा कॉन्फिडेंस इशू एकदम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस करके बहुत बचते बचाते किसी तरह, मतलब कर पाता था काम, तो उसकी वजह से बहुत कॉन्फिडेंस इशू हो रहा था, लो सेल्फ एस्टीम, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मुझे छोड़ना पड़ता था इस वजह से। गायनेकोमेस्टिया है और मैं बहुत टीयर 2 सिटी से आता हूँ, तो वहाँ पर अभी भी उतनी अवेयरनेस नहीं है कि कोई गायनेकोमेस्टिया जैसी कोई चीज़ होती है। उनको ये लगता है कि अगर इंसान थोड़ा सा फैट है या ऐसा है तो जो चेस्ट है वो भी एक तरह का फैट है, लेकिन ऐसा है नहीं, उनको पता नहीं था। तो घर वाले तो बहुत सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को, मुझे ही, मतलब कि क्योंकि मैं इतना अवेयर हो गया था, सर के वीडियोज़ भी काफ़ी देखे, यूट्यूब पर देखा, गूगल पर भी काफ़ी पढ़ा, तो उसके बाद ये हो गया था कि घर वाले समझे ना समझे मुझे खुद ही इस चीज़ का, क्योंकि लाइफ मेरी हैम्पर हो रही थी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन मेरे लिए था, तो मैंने कहा कि मैं खुद ही डिसाइड करके डॉक्टर अमित सर से मैं एक सर्जरी करवा लूँगा और जब मेरे लाइफ में कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा तो फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है, बहुत, अगर आपके घर वाले सपोर्ट नहीं भी करते तो आई थिंक कि अकेले भी आप डिसाइड करके अपना सर्जरी करवा सकते हैं। सोचने समझने के बाद, काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद मुझे पूरा 100% ट्रस्ट हो गया था डॉक्टर अमित सर पे। तो फिर मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि अब उसको और पोस्टपोन या डिले ना करते हुए तुरंत एक सर्जरी करवा लेनी चाहिए, और जितना मुझे समझ में आया था कि इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने जो है डायरेक्ट क्लिनिक पर कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। जो मैम थी जिनसे मेरी बात हो रही थी उनसे काफ़ी अच्छा, मतलब मेरे को गाइडेंस मिला, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि एक बार दिल्ली आकर सर्जरी करवा लेते हैं। तो मेरी कल दोपहर में 1 बजे के आसपास गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी हुई। मेरा ग्रेड 3A था, तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरे को अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन जब सर्जरी हुई उसके बाद तो लगभग 24 घंटे हो रहे हैं मेरे को, और काफ़ी हद तक, मतलब कि मुझे कोई किसी तरह का पेन नहीं है, किसी तरह की स्टिफनेस नहीं है, और प्रेशर गारमेंट भी मैं पहना हुआ हूँ तो बहुत सपोर्ट फील हो रहा है। और जैसा सर ने बताया कि लगभग 10 से 12 दिन थोड़े से प्रिकॉशंस लेने होंगे और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी, मतलब कॉन्फिडेंट फील करूँगा जब मैं एकदम 10-15 दिन के बाद। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित सर और उनकी पूरी स्टाफ को, बहुत सारा थैंक यू सर। सर्जरी के जस्ट पहले की जो मेरी लाइफ रही है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव और बहुत, मतलब लो सेल्फ एस्टीम भी रही है, लेकिन अब क्योंकि सर्जरी मैंने करा ली है और मुझे, मतलब अब ये फील हो रहा है कि अब फाइनली मुझे इस चीज़ के लेकर, गायनेकोमेस्टिया को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तो एक तरह से मेरी लाइफ तो एकदम 100% ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और मुझे इतना बढ़िया कॉन्फिडेंट फील होगा, एकदम एक तरह का एक मैजिकल एक्सपीरियंस इसको मैं बोल सकता हूँ कि, मतलब एकदम लाइफ जैसे एकदम दूसरा साइड ले ली, कि एक तरफ से एकदम नेगेटिविटी थी, लो कॉन्फिडेंस था, और अब फाइनली मैं हर चीज़ को कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो एक तरह से, मतलब मेरे लिए तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आज का दिन या जो कल सर्जरी हुई थी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये, मतलब रिमेम्बरेबल डेट रहेगी पूरी लाइफ भर, मतलब मेरे लिए।